स्वागत है आप सभी का योगिराज एजुकेशन हब में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको एयरफोर्स और नेवी के प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सेनोनियम का। आपको प्रोडिगल का सेनोनियम देखना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, एग्ज़ाम में बहुत कम समय मिलेगा तो जितना जल्दी हो सके जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। जब आपके पास टाइम लास्ट में रहे तब कर दीजिए। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, खर्चीला मतलब लेविस, इसका सेनोनियम है जो ज़्यादा खर्चे, ठीक है। केयर फ्री चिंता मुक्त, प्रोडक्टिव उत्पादक, ठीक है। एक्सक्लूसिव जो किसी एक व्यक्ति के पास हो अधिकार जिसका, ठीक है। लेविस इसका हो जाएगा सेनोनियम। अब आता है भाई आपके देखना है एंटोनियम, आपको वैसिलेशन का एंटोनियम देखना है। बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब आप वर्ड कई बार ये गलती हो जाती है कि हमें याद नहीं रहता है सोनोनियम देखना है या एंटोनियम, ये भी याद रखिए। साथ साथ में कई बार गड़बड़ हो जाती है तो इसका मतलब होता है वैसिलेशन होता है डगमगाहट, ठीक है। मतलब हिलना किसी चीज़ का, कंपन होना, वैसिलेशन। भूकंप आएगा तो वैसिलेशन होगा, कंपन, ठीक है। तो इसका स्टीडफास्टनेस हो जाएगा राइट आंसर इसका एंटोनियम। इसका मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। इनोकुलेशन होता है टीकाकरण, रिलीफ होता है राहत, और रिमोर्स होता है पश्चाताप, ठीक है। ये तो इजी वर्ड है सभी। अब आता है टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ स्केयर्ड थिंग्स। आपको इसका वन वर्ड देखना है, टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ स्केयर्ड थिंग्स। तो इसका राइट आंसर है ब्लास्फेमी, किसी भी धार्मिक चीज़ों के बारे में उनका अपमान करना। एपोस्टेसी होता है धर्म त्याग या किसी भी अपने सिद्धांत का त्याग कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ का त्याग करना। एथिज्म होती है नास्तिकता, और हियर्सी होती है अफवाहें, ठीक है। अब आता है अपना इडियम फ्रेज, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। देखिए एक्सप्लेन करने वाले इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर कह रहा हूँ 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे। तो ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब है ए वीक मैन विदाउट सब्सटेंस। अगर आप इनको ट्रिक से याद करते हैं तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रा मतलब जिसका कोई एक कमजोर व्यक्ति, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, मैन ऑफ स्ट्रो। आप देखिए एक ऐसा व्यक्ति ट्रिक बनाना है तो स्ट्रो से निकाल लीजिए कि स्ट्रो एक बेकार चीज़ है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, एक बार यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो बस एक दो बार ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो ने प्रैक्टिस सेट करने हैं ऑनलाइन तो मैंने एक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। रागा, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सभी के प्रैक्टिस सेट मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। तो इन दिनों में प्रैक्टिस सेट इसलिए कम है क्योंकि मैंने आपको जुलाई में भी करवा दिए थे, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट करवाए आपको जुलाई में, कॉमन एरर के 3-4 पार्ट करें तो वो सभी कर लीजिए। ऐसे ही हैं सभी आपके लिए बेनिफिशियल है, गारंटी देता हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ऐसा एग्ज़ाम होगा आपका, तो पहले वाले सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए जिन्होंने अभी तक, जिनने आपको नहीं किया है, जिन प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं किया है, ठीक है। तो आपने इसका मैं लगता है राइट आंसर देख लिया होगा क्या है। तो उसका राइट आंसर है 1 नंबर, BADC, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स रीजन्स फॉर दिस फेलियर। किसका जो फेलियर का मुख्य कारण क्या है, तो इज दैट मैनी पीपल्स डेयर नॉट टू टेक रिस्क, कि फेलियर का मुख्य कारण है कि बहुत सारे लोग हैं वो साहस नहीं करते हैं रिस्क उठाने का, ठीक है। अब आता है अपना कॉमन एरर। तो कॉमन एरर में है महात्मा गांधी टोट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर एज मच एज हिज ओन। तो भाई थोड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी मान लीजिए आप, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो पजेसिव है वो वहाँ पर हिज या देयर ये यूज़ नहीं करेंगे हम, वहाँ पर यूज़ करेंगे वंज, ठीक है। तो उसके पार्ट डी में एरर है, यहाँ पर वन जाएगा ना कि ही जाएगा। अब आता है द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है कि यहाँ पर 100 रुपीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर केवल रुपी होगा, क्योंकि हम सबको पता है इनमें क्या हम एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है उसमें कभी भी एस या एस ऐड नहीं करते हैं। जो मैन नाउन होती है उसमें हम एस या एस ऐड करते हैं, ठीक है। मैन नाउन भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन कभी भी एडजेक्टिव में मत ऐड कीजिएगा, यहाँ पर रुपी होगा।
अब आता है आपको मिसपेल्ड वर्ड देखना है, इनमें से कौन सा एक मिसपेल्ड वर्ड है। पहला है रिसीव, दूसरा है रिसिप्ट, तीसरा है नेबर, चौथा है सीज। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, बस एक छोटी ट्रिक आप कह सकते हैं कि हमेशा ई के बाद आई आएगा, ठीक है, आई के बाद ई नहीं आएगा। तो देखेंगे सीज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, SEIZE होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर में, एरर है यहाँ पर, बाकी सभी सही हैं। अगर आपको यहाँ पर एरर मिलेगी तो यहाँ पर EI की जगह मिल जाएगा IE, यहाँ पर भी EI की जगह मिल जाएगा IE, और यहाँ पर भी EI की जगह मिलेगा IE, ठीक है। अब आता है अपना पेसिव वॉइस, क्लोज द डोर्स। देखिए ज़्यादा इनमें टाइप नहीं है, ना ही ज़्यादा हार्ड आएंगे, तो इन्हें ज़्यादा हार्ड कराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि ऑर्डर दिए जाते हैं, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इन्हें स्टार्ट करते हैं लेट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेट द डूर्स, और लेट के बाद हमेशा बी यूज़ करते हैं, लेट द डूर बी क्लोज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर दी, तो उसका राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन की तरफ। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू हैव लंच विथ हिम दैट डे। तो पहला आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दिया जाता है, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है, हमारा माइंड इस तरह सेट हो जाता है कि हमें फटाफट हम कर देते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट को हमें टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है। देखिए पहला तो ये क्या है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव हमारा यहाँ पर दो नंबर में नहीं दिया गया है, तो दो नंबर तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे सेट टू सभी में किया गया है, लेकिन डू और कैन यहाँ पर वर्ब आई है, लेकिन हमें वर्ब देखनी है वुड, ठीक है। तुम्हारा थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फ्रेज से रिलेटेड, द पुलिस हैज लॉस्ट हिज टेम्पर एंड स्ट्रक ब्लैंक द थीफ वाइल्डली। तो स्ट्रक के साथ क्या लगेगा जिसका मतलब हो जाए मारना, ठीक है, मारा, पीटा या मारा, ठीक है। तो स्ट्रक के साथ लगेगा ऑफ, स्ट्रक ऑफ, तो जिसका मतलब हो जाएगा टेम्पर अपना गुस्सा आ गया और उसने कूट दिया, ठीक है। योर स्टेटमेंट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड ब्लैंक हिज, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है यहाँ पर, आपको देखना है कॉरस्पॉन्ड के साथ क्या लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉरस्पॉन्ड के साथ विथ लगता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्ड मतलब मेल खाना, उसका अनुरूप करना, कॉरस्पॉन्ड विथ होता है इसका, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर ब्लैंक ही अराइव्स देन ही बिगेन्स टू वॉक। तो यहाँ पर आपको टेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नो सुनर के बाद क्या आएगा, तुम बता दो, तुम डज आ जाएगा, क्योंकि नो सुनर के बाद पहला कॉन्सेप्ट देन यूज़ करते हैं ना कि वैन, ठीक है। और यहाँ पर अगर पास्ट प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, सिंगुलर ही है तो डज यूज़ किया है हमने। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें देखनी है स्पीक की, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। इतने ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन नहीं हैं। मिस्टर राजा ऑब्टेन बोथ ए प्राइज ब्लैंक स्कॉलरशिप, एक प्राइज भी है और स्कॉलरशिप दोनों मिल गई, ठीक है। तो बोथ के साथ देखिए कौन सा कंजक्शन लगता है, बस यही कॉन्सेप्ट था, बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं, बोथ एंड, ठीक है, बोथ के साथ एंड यूज़ करना है आपको। ये थे आज के हमारा 15 क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।